और इंटरप्रेटर का काम था कि उसको जो हमने लिखा है कंप्यूटर को समझाना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और जो है वो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जी डब्ल्यू बेसिक जो कुछ मोड होते हैं, कुछ खासकर की जैसे आप लोगों के फोन की एग्जाम्पल ले लें, जो लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं ठीक है, उन्हें पता होता है कि फोन के अंदर जो है नंबर ऑफ मल्टीपल मोड्स होते हैं ठीक है। यानी सिंपल भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी सेटिंग में जाएँ तो वहाँ पर एक सिंपल मोड आता है। सिंपल मोड में आप लोग कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और कुछ नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती है जो आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग थीम वगैरह कुछ और इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो जी डब्ल्यू बेसिक है इसके अंदर भी जो है ना ये दो मोड्स के अंदर या दो हाथों के अंदर काम करता है। सबसे पहला मोड है डायरेक्ट, दूसरा है इंडायरेक्ट ठीक है। ये हमारा जो नोट्स है उसके अंदर वो डायरेक्ट और इंडायरेक्ट ही लिखा है, लेकिन इसके अंदर जो है जी डब्ल्यू बेसिक कमांड और स्टेटमेंट का भी जिक्र है, क्योंकि जी डब्ल्यू बेसिक कमांड और स्टेटमेंट इसके साथ इंटरलिंक्ड है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी ताकि इसी में आपको समझा दिया जाएगा और इसी में वो आपको कवर अप कर देंगे। तो डायरेक्ट मोड क्या कहता है, कहता है कमांड और एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप, जैसे ही हम उसको लिखते हैं वैसे ही हमें जो है इसका रिजल्ट दे देते हैं। इसमें कोई लाइन नंबर या कोई स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है, जैसे एग्जाम्पल ले लें अगर मैं सी डी चढ़ रहा हूँ तो सी डी में पहले फर्स्ट स्टेप पर चढ़ूंगा फिर सेकेंड पर फिर थर्ड पर। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहते हैं कि आप फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड के ऊपर चले जाओ, सेकंड को स्किप कर दो, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट मोड है। यानी जो है सेकंड स्टेप पे पाँव रखे बगैर ही आप इसके थर्ड स्टेप पे चले जाओ। और इनडायरेक्ट मोड में वो कहते हैं कि आपने थर्ड स्टेप तक जाना है, लेकिन आपको पता है कि हम थर्ड स्टेप तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले मैं फर्स्ट पे आऊँगा फिर सेकेंड पे आऊँगा और फिर मैं किसके आऊँगा थर्ड पे आऊँगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में हम लोग कमांड को यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट मोड में हम लोग स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं ठीक है। कमांड के लिए हमें लाइन नंबर की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट के लिए हमें लाइन नंबर की जरूरत होती है, यानी स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर के अकॉर्डिंग ही चलती है। कमांड को आप लोग कह सकते हो एक ऑर्डर होता है जो कि हमने देना है, उसके उसको फॉलो करना ठीक है। लेटर सपोज कह रहे हैं सिर्फ जो है कजन वगैरह अगर फैमिली में आए होते हैं तो कहते हैं जी आप एक काम करो ठीक है, या आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो या आप कोई भी प्रॉब्लम करो, ये सी डी की एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं आप एक स्पेसिफिक हाइट से क्या करो जंप करो। वो भी शायद आपको पता है कि आप वो नहीं कर सकते, या वो आपके लिए इलीगल है, या आप लोगों को डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी आप वो करते हो तो वो सूरत क्या होता है, डायरेक्ट मोड होता है। लेकिन अगर आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू कहा जाता है कि आपने घर की जो है छत पर चढ़ना है तो आप सबसे पहले जो है वो सीढ़ी या जो आप लोगों की बनी होगी लकड़ी की, आप पहले उसके ऊपर स्टेप रखोगे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर स्टेप रखते रखते आप लोग पहुँच जाओगे अपनी छत पर पहुँच जाओगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में हमें लाइन नंबर की जरूरत नहीं होती, इनडायरेक्ट मोड में हमें लाइन नंबर की जरूरत होती है। डायरेक्ट मोड में सिर्फ कमांड चलती है, इनडायरेक्ट मोड में सिर्फ स्टेटमेंट चलती है। इनडायरेक्ट मोड में कमांड भी चल सकती है, डायरेक्ट मोड में स्टेटमेंट नहीं चलता ठीक है। लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर में काम करेंगे तो हम लोग इसमें करेंगे इनडायरेक्ट मोड में, क्योंकि हम लोग जितनी भी पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कमांड वाली जो है काम हम लोग नहीं करेंगे। तो ये तो तीसरी और दोनों की डेफिनेशन मैंने नोट्स के अंदर लिया, वो मैंशन किया और आप लोग वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। अब ये कमांड और स्टेटमेंट के रिलेटेड मैंने छोटी सी आप लोगों को समझाने के लिए प्रोग्राम भी लिखा ताकि हमें समझ आए। ये देखिए स्टेटमेंट के अंदर मैंने लाइन नंबर फोर किया 10, 20, 30, मैंने कह दिया डेट एक्स इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। अगर आप लोगों को याद है फ्लो चार्ट वाला तो मैंने कहा था कंप्यूटर में हम लोग डायरेक्ट 10 और 20 को सम अप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उन वेरिएबल्स को या जो नंबर है उसको किसी वेरिएबल में पहले स्टोर कराना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20 वाला काम किया, उसके बाद खोलने का प्रिंट कर दो इसको एक्स प्लस वाई को, उसके बाद एंटर। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो होगा कैसे, सबसे पहले तो इस लाइन नंबर 10 पे आएगा, उसको पढ़ेगा, उसने कहा लेट फर्स्ट किया एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू क्या है 20, यानी ये दोनों वैल्यू से अपनी मेमोरी लोकेशन में क्या करनी है स्टोर कर। 20 लाइन के बाद क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इसको एक्स प्लस वाई को, और 30 पे वो क्या कर देगा, एड कर देगा, यानी प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी वो हमें उसकी आउटपुट या रिजल्ट दे देगा। तो जो लास्ट में लिखा है सेव सी स्लैश सम, इसका मतलब ये कि जो मेरे पूरा प्रोग्राम है सी ड्राइव के अंदर एक सम नाम का मैंने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ही मैंने सेव कर दिया। तो ये होगी स्टेटमेंट। अब मैं चाहता हूँ इसको जो है रिजल्ट लो, तो मैं क्या करूँ कमांड के अंदर डायरेक्ट लोड लिखूंगा और डायरेक्ट जो है वो जहाँ पे मैंने सेव किया है मैं उसको लिखूंगा। अब यहाँ पे लाइन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है,
ये काम जो है मैं इसके नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, ये लेटर को मैं 10 नंबर को ऐड अप कर रहा हूँ, ये 10 नंबर को मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मुझे आउटपुट या रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी मैं ये काम कर सकता हूँ। ये हमारे जीडब्ल्यू बेसिक कमांड और स्टेटमेंट थी, ठीक है। दो डेफिनेशन ये है, दो डेफिनेशन बुक से करनी है। नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट है, आपको मेरे बहुत ही अच्छा टेस्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।